सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया मोटिवेशन टॉकीज में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हैं मेरे व्यूअर्स, मैं ठीक हूँ। तो आज की कंटेंट आप देख के पता चल ही गया है कि मैं आज किसके बारे में आप लोगों से मैं शेयर करूँगी और वो व्यक्ति है कौन, क्यों इतना चर्चे में है। लेकिन वीडियो की इन आत्मकथा सुनाने से पहले मैं आप लोगों से कुछ एक और बात में शेयर करना चाहती हूँ कि मानिए अगर जहाँ पे खूबसूरती का चर्चा होते हैं तो सबकी निगाहें तो वहीं पे अटक के रहता है। दुनिया में कितना तरीके की प्रतियोगिता खूबसूरती से जुड़ा हुआ होते हैं, जहाँ पे कोने से हर नौजवान लड़के या लड़कियाँ खूबसूरत प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं और अपना टैग अपना नाम करते हैं, जैसे कि मिस इंडिया होते हैं, मिस यूनिवर्स होते हैं, मिस वर्ल्ड होते हैं और मिस पैसिफिक, मिस अफ्रीका, कितना तरीका उतना तो नॉलेज में नहीं है। लेकिन अजीबोगरीब बात आज के विषय में ये है कि कभी आपने सुना है कि बदसूरत का भी प्रतियोगिता भी होता था कभी भी किस ज़माने में, हैरान है ना, जहाँ पे कुछ अजीबोगरीब दिखने वाले लोग मतलब किसी न किसी घातक बीमारी से पीड़ित है, बीमारी के चलते बिल्कुल अजीब सा हो गया है, कोई पतला जरूरत से ज़्यादा पतला हो गया है, जरूरत से ज़्यादा मोटा हो गया है, उसका चेहरा बिगाड़ गया है। तो कुछ प्रतियोगिता भी हुआ करता था। तो देखिए कितना समझ कितना खोखला है, जब भी इस तरीके के लोगों को प्रशासन से या फिर समझ से कुछ अनुभूति मिलना चाहिए, कुछ मदद मिलना चाहिए ताकि उन्हें भी जीने का थोड़ा सहारा मिले। लेकिन इस तरह का लोगों को ये भी प्रतियोगिता होते हैं तो ये हंसी मजाक का विषय नहीं है, बहुत ही दुखद बात है। तो फिर मैं आज वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि फिलहाल मेरी चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कर दीजिए, ताकि आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट मेरे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। मैं मोटिवेटर क्रिएशन हूँ, इस तरह का कुछ मोटिवेट कुछ कहानी मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करती हूँ, जिंदगी की कुछ दौर जो छोटा छोटा मैं आप लोगों को रूबरू करवाती हूँ। तो एक सब्सक्राइब आप लोगों के लिए बहुत मायने रखते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेट मिले कि इस तरह का कुछ अजीबोगरीब कुछ कहानी, कुछ दिलचस्प कुछ कहानी मैं आप लोगों से मैं शेयर करूँगी। तो मैं वीडियो को देर ना करते हुए इनकी आत्मकथा मैं सुना रही हूँ। तो आपके आपको पता है कि दुनिया की सबसे बदसूरत महिला किसे कहा जाता था और क्यों इन्हें सबसे बदसूरत महिला के नाम से जाना जाता था? आखिर इनके ज़िंदगी में क्या हुआ था? क्या बचपन से ये ऐसी ही थी या फिर ज़िंदगी में ऐसा कुछ हुआ कि ज़िंदगी का इसका बनना ही बदल दिया गया है? तो फिर चलिए मैं आपकी आत्मकथा आपको सुनकर जीवन का कथा आपको सुनूँगी क्या हुआ था इनकी ज़िंदगी में। तो चलिए वीडियो को टाइम वेस्ट न करते हुए मैं इनका मन का सूरत से मैं बताऊँगी। तो इनका नाम है मैरी एन बेवेन। इनका जन्म हुई थी 20 दिसंबर 1874 को पेस्टोन नाम की एक शहर लंदन में है। मस्तिष्क के नीचे मटर के आकार की पिट्यूटरी ग्रंथि की अति सक्रियता और अल्प सक्रियता कई प्रकार के विकारों का कारण बन सकती है। पिट्यूटरी स्थितियां यौन विकास, थायराइड कार्य वृद्धि, त्वचा रजनकता और अधिक कार्यों को प्रभावित कर सकती है। एक्रोमेगाली तब होती है जब पिट्यूटरी ट्यूमर अतिरिक्त वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करता है। 95% से अधिक एक्रोमेगाली के मामले पिट्यूटरी ग्रंथि पर सोमिया ट्यूमर के कारण होते हैं। कुशिंग सिंड्रोम तब होता है जब पिट्यूटरी ट्यूमर अत्यधिक मात्रा में ACTH नामक हार्मोन का उत्पादन करता है जो रक्त के कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ा देता है। डायबिटीज इंसिपिडस ADH के अपर्याप्त उत्पादन के कारण होता है। एक हार्मोन जो शरीर को पानी का इस्तेमाल इष्टतम मात्रा को संरक्षित करने में मदद करता है। डायबिटीज इंसिपिडस का डायबिटीज मेलिटस से कोई संबंध नहीं है, हालांकि कुछ लक्षण समान है। खाली सोना सिंड्रोम एक बड़ी हुई की संचरणा की विशेषता है जिसमें मस्तिष्क के आधार पर पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। लक्षण यदि मौजूद है तो उनमें नपुंसकता, यौन इच्छा में कभी और अनियमित मासिक धर्म शामिल हो सकते हैं। हाइपोपिट्यूटरीज्म जिसे निष्क्रिय पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहा जाता है, पिट्यूटरी ग्रंथि के पूर्व का लोप
संगीत गेम में कार्य को प्रभावित करता है। थायराइड या अंडाशय में हार्मोन का उत्पादन पर प्रभाव डाल सकता है। अधिकांश पिट्यूटरी सौम्या होते हैं, हालांकि पिट्यूटरी ग्रंथि के स्थान के कारण बड़ी पिट्यूटरी ट्यूमर ऑप्टिक तंत्रिकाओं को पर दबाव डाल सकते हैं, जिससे दृष्टि संबंधी समस्या हो सकती है। इसके अलावा पिट्यूटरी ट्यूमर जो अत्यधिक मात्रा में हार्मोन का उत्पादन करते हैं, अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को अत्यधिक उत्तेजित करते हैं और लक्षण पैदा करते हैं। बचपन की जिंदगी बाकी बच्चों की तरह ही थी, नॉर्मल लड़कियों की तरह इनकी जिंदगी आम जिंदगी भी थी, कोई इनकी जिंदगी में समस्या भी नहीं थी। तो इन्होंने ग्रेजुएशन के बाद नर्स के तौर पे इन्होंने हॉस्पिटल में काम भी किया है, लेकिन इसकी शादी तो 1909 में थॉमस बीवन से हुई थी। शादी के बाद इनके चार बच्चे हुए थे, दो लड़की और दो लड़की। इनके पति गुजर जाती है 1911 में, लेकिन तभी इनके बाद एक इनकी जिंदगी में अंधेरा छा गया है, इनके बाद एक झटका मिलने लगा। पति के गुजर जाने के बाद इनके शरीर में कुछ अजीबोगरीब कुछ होने लगा, कुछ हलचल कुछ होने लगा है, जिसके चलते इनका जो शरीर है ज़्यादा बड़ा लंबा होने लगा, इनका फेस जो है पुरुष की तरह विकसित होने लगा है और बहुत ही बदसूरत दिखने लगी थी। ये समझ इनको देख के डरने लगा था, इसको दिखना भी नापसंद थी। तो ये समझ नहीं पाती कि आखिर इनके शरीर में हो क्या रहा था। आखिर 32 साल की उम्र में एक अजीबोगरीब बीमारी जिसका नाम है एग्रोनेफली एपिडर्मिटिस, इतनी बीमारी से ग्रस्त में आ चुकी थी, इनकी पूरा शरीर का जो स्ट्रक्चर है जो शेप है पूरा बदल गया था। ये पूरे पुरुष के जैसे दिखने लगी थी, इनका फेस भी पुरुष की तरह हो चुकी थी और वही जो बहुत पीड़ा होने लगी थी, बहुत शारीरिक समस्या भी होने लगी थी, इनकी उनकी रोशनी भी धीरे धीरे धीमी हो चुकी हो रही थी। इसके चलते इनको इसका झटका मिला है कि इनकी शारीरिक समस्याओं के कारण इनकी नर्स के जॉब से भी इसको हाथ धोना पड़ा था। तो देखिए किस्मत ने कैसा कैसा दिन दिखा रही थी मेरे लिए। फिर 1920 में एक अजीबोगरीब प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, इसका नाम है सबसे बदसूरत महिलाओं का किताब, जिसमें मैंने जैसे बहुत सारे लोग जो दिखने में अजीबोगरीब है कुछ ना कुछ बीमारी से घातक है चलते इनका इन लोगों की बॉडी का जो स्ट्रक्चर है नॉर्मल जो एबनॉर्मल बन गई है, तो प्रतियोगिता भाग लिया। लेकिन जिसमें मैंने भी अपना जीत हासिल किया है और अपने नाम पर तय कर रखा है कि दुनिया की सबसे बदसूरत किताब बदसूरत महिला का किताब जीत लिया। लेकिन इसके बाद क्या हुआ है, ये टैग बदसूरत महिला का टैग जीतने के बाद मैरी को क्या कामयाबी हासिल हुआ है। हाँ, इसके पहले भी गूगल में थोड़ा सर्च कर लिया कि एग्रोमिकली डिजीज इतना घातक क्यों है, आखिर ये बीमारी क्या है। मैं आप बारीकी से समझाऊंगी, मैंने थोड़ा बहुत गूगल में सर्च कर लिया है। तो फिर चलिए मैरी के बारे में जो मैं बात करी वो मैं ख़त्म करूँगी एंड तक, और उसके साथ में इस बीमारी के बारे में भी थोड़ा मैं कहना चाहूँगी साझा करने के लिए। मैरी को ये जीत हासिल के बाद मैरी को एक साइंस शो सर्कस में काम करने का मौका मिला है, जहाँ पे वो जोकर बन के लोगों की मनोरंजन का एक जरिया बन गई थी। तो फिर देखिए किस्मत कितना कठोर परिस्थिति का सामना कराते हैं एक इंसान की ज़िंदगी में। पहले मैरी ने अपने पति का खोने का गम झेला है, 32 साल उम्र में एक घातक बीमारी का सामना कर ही रही थी कि उसका उनके हाथ से नर्स का जॉब छूट गया है। फिर मिला है दुनिया की तरफ से बदसूरत औरत का किताब का टैग, तभी जोकर बन के लोगों का मनोरंजन करना कितना मुश्किल काम है। तो मैं इस खोखले समस्या में क्या उम्मीद करूँगी, जहाँ पे एक पीड़िता को मदद की जगह लोग उसका मजाक बना रहे थे। कुछ सवाल नहीं है मेरे पास, सवालों का जवाब ही नहीं है, सिर्फ मैं हैरान हूँ सोच के।
मैंने ने इस तरह की अपनी जिंदगी ही गुजार रही थी कि दिन भर दिन उसको अनलिमिटेड पीड़ा मिल रही थी। उस बीमारी के चक्कर में बहुत सारा समस्या भी होने लगी थी। तो इस तरह से 26 दिसंबर 1933 को मैंने ने दम तोड़ दिया है। लेकिन क्या आपको लगता है कि मेरी वाकई में बदसूरत एक औरत थी? सबसे ज़्यादा बदसूरत औरत कि उसे टैंक देना लोगों के लिए, समझ के लिए, दुनिया के लिए इतनी जरूरी थी? नहीं, मेरा दिल मरने को बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं माता मिली थी। मैं इनकार करती हूँ इन सारी बातों से, इन सारी बेटी से बातों से, इन सारी बात। असल में मेरी एक बहुत खूबसूरत औरत थी, उनका दिल में एक खूबसूरत ममता की जगह थी। अपने चार बच्चों की अच्छे से बहुत परवरिश की, बहुत खूबसूरत माँ थी। मेरी जैसे औरत आज भी समझ से पीड़ित है। समाज को इस तरह की औरत से औरत को साथ देना चाहिए ताकि थोड़ी बहुत जीने की उम्मीद मिले। तो आज की वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों का क्या राय है मेरी इन बेबन की ज़िंदगी के बारे में? कुछ कुछ क्या सलाह देना आप चाहते हैं तो फिर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस और अगर अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा।